हेलो फ्रेंड, आज मैं एयर फ्रायर में फाफड़ा बनाने जा रही हूँ। ये गुजराती वैरायटी है जिसे हम लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने डिजिटल स्पून से 3 स्पून जितना बेसन ले लिया है। ये 3 स्पून बेसन ले लिया। इसमें मैं 1/4 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। ये 1/4 चम्मच नमक है। बिल्कुल चुटकी भर मैंने काली मिर्च ली है, बहुत बारीक ना पीस के थोड़ी, और बिल्कुल चुटकी भर हल्दी ली है। और ये चुटकी भर मैंने पापड़ खार लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालने जा रही हूँ, छोटा चम्मच है। इसे मैं मिक्स कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका आटा लगाना है। ये मैं थोड़े से ही बना रही हूँ, और आप भी यदि पहली बार बनाते हैं तो थोड़ा सा ही बनाइए। हमारा आटा लग रहा है। अब हम थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छे से मसल लेंगे। हमने इसके इस तरह से लुए बना लिए हैं। ये मेरे 7 लुए हुए हैं। इसे अब एक लकड़ी का पानी हाथ हथेली में भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे इस तरह धीरे 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 हल्के हाथ से दबा के इसे खींचना है। ये देखिए, और इसे अभी चाकू की मदद से हमको निकालना है इस तरह से। ये निकल गया। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी मैं इसे एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। मैं एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट में रखा। ये 200 डिग्री उसका टेम्परेचर है, और इसे 5 मिनट हम गर्म होने देंगे। तब तक हम हमारे दूसरे फाफड़े बना लेंगे। इस तरह हम ये दूसरा बिल्कुल हल्के हाथ से लेते जाएंगे, थोड़ा प्रेशर के साथ। ये इस तरह हमारा फाफड़ा बन गया। इसे चाकू की मदद से ऐसे निकाल लेंगे और मैं डिश में रखते जाऊंगी। इस तरह ये हमारे फाफड़े तैयार हो गए। ये फाफड़े तैयार हो गए और हमारा एयर फ्रायर भी प्री हीट हो चुका है। इसे मैंने इसमें सेट कर दिया है। दोनों तरफ मैंने तेल लगाया है, और देखिए एयर फ्रायर की एक विशेषता है कि इसमें आप ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। मैं इसे एयर फ्रायर में सेट करने जा रही हूँ। मैं इसे एयर फ्रायर में सेट कर दिया, और 200 डिग्री पे ही मैं 5 मिनट के लिए इसे सेट कर रही हूँ।
तरह हमने दूसरे फाफड़े तब तक बना लिए और 5 मिनट के बाद इसे भी हम एयर फ्रायर में सेट करेंगे। हमने इसे फिर से सेट कर दिया है, ऊपर तेल अप्लाई कर दिया है। इसे मैं एयर फ्रायर में सेट कर रही हूँ और इसे मैं 5 मिनट के लिए इसे सेट कर दे रही हूँ। अब इसे हम एयर फ्रायर में से निकालेंगे। ये हमारे फाफड़े अच्छे से बन गए हैं, इसे हम प्लेट में ले लेंगे। इस तरह से हमारे फाफड़े और ये हरी मिर्ची गरम गरम तैयार हो गई है। बिना तेल के फाफड़े बनाए हैं। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ, धन्यवाद। यह बिल्कुल इजी मेथड है।